इनका आतंक है, संबित पात्रा ये इनका आतंक है, जो पार्लियामेंट ठीक है, मतलब जय श्री राम का नारा आतंक है, ये इनका आतंक। मैं आपको कहता हूँ किसी एयरपोर्ट के अंदर, किसी एयरपोर्ट पर भीड़ हो, वहां पर जय श्री राम का नारा लगाइए और अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, पता लग जाएगा क्या फर्क है दोनों नारों के। खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। तारा सिंह ने जिंदा जला दिया ग्राम जींस को, उनके दो यंग बच्चों के साथ, वो आतंक नहीं था। जब ओवैसी साहब ओथ लेने पार्लियामेंट में गए और उनको जय श्री राम के नारे लगाकर वो किया गया, वो आतंक नहीं था। अच्छा? आतंकी को अरे शुक्र मानिए, जय श्री राम लगा रहे थे नारा है, तब भी अल्लाह अकबर लगा के बम नहीं फोड़ दिया। जय श्री राम का नारा लगाना आतंक है, फिर बीच में टपके। नहीं नहीं, आपने क्या बोला, आपने बोला जय व्यूअर्स, देखिए रुकिए रुकिए, डिबेट डिबेट को यही रोकता हूँ मैं बीच के अंदर। आपने बोला जय श्री राम का नारा लगाना आतंक था सदन के अंदर, जय श्री राम का नारा लगाना आतंक था सदन के अंदर, अतिकुर रहमान यह आपने क्यों बोला, यह आपने क्यों बोला? फिर मैं संबित पात्रा के पास जाता हूँ, क्यों बोला आपने जय श्री राम का नारा लगा ना आतंक क्यों है पार्लियामेंट के अंदर? मुझसे पूछ रहे हैं अमित जी? हाँ बिल्कुल, आपसे पूछ रहा हूं अतिकुर रहमान, आप ही ने बोली ये बात जी। धन्यवाद। जय श्री राम का जो पार्लियामेंट में नारा लगा उसका रद्देअमल आपने देखा मुस्कान के साथ हुआ, उसका रद्देअमल आपने देखा 100 मुसलमानों की लिंचिंग हुई जय श्री राम का नाम लेते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिंचिंग किन 100 मुसलमानों की लिंचिंग हुई है जय श्री राम का नारा लगाते हुए, कानून नहीं बनाएंगे, ये इनका आतंक है संबित पात्रा, ये इनका आतंक है जो पार्लियामेंट ठीक है, मतलब जय श्री राम का नारा आतंक है, ये इनका आतंक। मैं आपको कहता हूँ किसी एयरपोर्ट के अंदर, किसी एयरपोर्ट पर भीड़ हो, वहां पर जय श्री राम का नारा लगाइए और अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, पता लग जाएगा क्या फर्क है दोनों नारों के। खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। इसी नहीं ये भारत के, भारत में छोड़िए कहीं विदेश में भी कर लीजिए। मैं आपको कहता हूँ ये काम आप तुर्की में कर लीजिए, तुर्की में कर लीजिए ये काम, पोलराइजेशन और हिंदू कंसोलिडेशन कहलाता है। अच्छा ठीक है, आपने बात को रखा ना, आपने बोला जय श्री राम का नारा जो है, मैंने बोला कि आप रियलिटी में टेस्ट कर लीजिए, आप मुंबई रहते हैं कल मुंबई एयरपोर्ट पे जाइए और चिल्लाइए जाकर एयरपोर्ट पे अल्लाह अकबर और जय श्री राम दोनों चिल्लाइएगा, एक व्यक्ति जय श्री राम चलाए दूसरा अल्लाह अकबर चलाए, फर्क अपने आप पता लगे, प्रैक्टिकल करके देखिएगा जरूर। ओके ठीक है, यू मेड योर पॉइंट ना, यही काम करेंगे आप, जय श्री राम का नारा आतंक आपको वोट देता है। ठीक है संबित पात्रा, जय श्री राम का नारा लगाना आतंक था। देखिए अमीश भाई, अभी अतिकुर रहमान ने कहा यही सब करने से आपको वोट मिलता है, वोट कोई मंगल ग्रह से तो नहीं आता है, जनता देती है। जनता क्यों वोट देती है? जनता वोट तभी देती है जब आप सत्य को उनके सामने रखते हैं और जो हकीकत है उसको लारे लप्पे के साथ ढकते नहीं हो, यथास्थिति पर आप चर्चा करते हो और यथास्थिति को आप संभालने का प्रयास करते हो। कौन आतंकवादी है कौन आतंकवादी नहीं है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने आरंभ में कहा था हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, मगर आपने इसका जो डेरिवेशन किया वो ये किया कि मुसलमान ही आतंकवाद हो सकता है। अब चोर की दाढ़ी में तिनका है तो मैं क्या करूंगा, आपने खुद ही ड्राइव कर लिया तो इसे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने कहीं नहीं कहा कि कौन से जाति और धर्म विशेष के लोग आतंकवादी होते हैं। पार्लियामेंट में वो आज एक भी टेरर एक्यूज है, एक सेकंड, मैं तो चिल्ला नहीं रहा था आपके बीच में, आप तो दूसरे के लिए बोल रहे थे कि दूसरा क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं तो चिल्ला नहीं रहा था, आप स्कॉलर, मैं तो चिल्ला नहीं रहा था। अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप टेरर एक्यूज को बना रहे हैं, उसके बारे में बोलिए ना। ठीक है ठीक है, कान मत खराब करिए अतिकुर रहमान जी, ठीक है असीम बकार को आपकी बात मुझे लेना है, एक खराब कर लेना सुनो कैसे कंप्लीट करूंगा, ये अगर ऐसे शाब्दिक आतंकवाद करेंगे तो शांति से बैठ तो जाएं, सुन तो लें। देखो अमीश भाई, मुझे तो आश्चर्य लगता है आपका आतंक, ये जय श्री राम को भी घसीट के ले आए, प्रोपेगेंडा हो गया, आप फैलाइए आतंक। मैं आपके बीच में बोल रहा था, आप स्कॉलर कहते हैं अपने आप को, मैं आपके बीच में बोल रहा था, शांति से सुन लीजिए। अरे मामूली रिसर्चर है, इन लोगों के फॉल्स स्कॉलर होंगे आप, डॉक्टर होंगे आप, चलो डिग्रीज आपके पास है, हमारे पास रिसर्चर संविधान के अलावा, चलो चलो मैं रिसर्चर, चलो चलो भैया मदरसा के टीचर सुनो तो सही, क्या बोला तूने, मदरसा के टीचर सुनो तो सही, चलो अरे भैया इनको स्कॉलर बोल दिया तो ये नाराज हो गए, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है
अरे ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है आप, अरे गलती हो गई स्कॉलर बोल दिया भैया, मदरसा के टीचर सुन तो लो आप, अरे गलती हो गई स्कॉलर बोल दिया मेरे मदरसा के टीचर, अरे मदरसा के टीचर को बोलो चिल्लाने से बंद करो इनको, ये कैसा आदमी है, इसको स्कॉलर बोल दिया तो इतना गुस्सा हो रहा है। अच्छा एक एक करके आप अपनी बात को सबित बोलिए आप। अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक टेरर एक्ट। अच्छा ठीक ठीक है, आपने ये बात को बोला उसी का जवाब दे रहे ना सबित, सबित बोलिए। दनासिम वकार, कोई साध्वी प्रज्ञा टेररिस्ट नहीं है। जिस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी और उनके गुर्गों ने मिलकर के हिंदू आतंकवाद के नरेटिव को फ्लोट करने के लिए कई हिंदुओं को एक केस में फंसाने की साजिश की, उसका परत दर परत कोर्ट में खुला है। अगर इनको लगता है वो टेररिस्ट थी तो कोर्ट में जाके केस करते, रोक देते लड़ने से। ये तो नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए 2014 से पहले रोक रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी तो हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकते, वीजा नहीं, अमेरिका वीजा रिजेक्ट कर दो। ये वो लोग हैं जो विश्व के कहीं भी चिट्ठी लिख के वहां हाहाकार काट सकते हैं, ऐसा टूल किट वाले हैं। अगर इनके पास इतना तथ्य होता ना तो ये साध्वी प्रज्ञा को भी रोक देते, क्योंकि इन सभी लोगों ने एक फॉल्स इक्विवेलेंस बनाने की कोशिश की, हिंदुओं के नाम को ड्रैग करने की कोशिश की, इनका पर्दाफाश हो गया है। जय श्री राम को खींच के लाते हैं आप जय श्री राम को एक आतंकी नारा कहने की हिम्मत करते हैं। मुझे तकलीफ इस बात को हो रही है अमीश भाई, ये लोग हमें बोलने नहीं देते, आपको मुझे सिंगल विंडो दिखाना पड़ रहा है क्योंकि ये हमारे ऊपर चिल्लाते हैं। सुबह से रात तक प्रधानमंत्री को न जाने कैसी कैसी भाषा में गाली देते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं के प्रति न जाने ये क्या क्या गाली देते हैं, फिर भी ये टीवी में आते हैं, रोज सुबह से शाम बैठते हैं, कोई इनका बाल बांका नहीं करेगा, ना कभी हम सोच भी सकते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि हम खतरे में हैं, मुसलमान इस देश में खतरे में, ठीक है। और कमलेश तिवारी का क्या हश्र किया था, अकेला कमलेश तिवारी नहीं, आप इनके विषय में एक लाइन बोल दो आपका गर्दन अगर ना काट दे तो नाम बदल दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर चोरी ऊपर से डंडाधारी, ऊपर से यहाँ पर सीना जोरी हो रही है, ठीक है। मतलब आतंकी हमला भी करो और ऊपर से यहाँ 100 डेसिबल की आवाज में चिल्ला चिल्ला कर हिंदू हिंदू जय श्री राम आतंकी, मतलब मुर्तजा। अब कल को ये बोलेंगे ओसामा बिन लाडन का नाम बदल करके राम नारायण दुबे रखो क्योंकि ये सेक्युलर नहीं लगता है, तो हम ओसामा बिन लाडन का नाम बदल देंगे क्योंकि ओसामा बिन लाडन का मतलब मुसलमान होता है, तो ओसामा बिन लाडन का नाम बदल करके हम राम नारायण दुबे रखेंगे क्योंकि ये सेक्युलर होगा, वरना ओसामा बिन लाडन बोलते लगता है। ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट योर चांस।